कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण मांगने वाला था, 6 महीना सो जगू, 1 दिन सो। ब्रह्मा जी सोच लिए तो 6 महीना जगेगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति पलटवा दी, उल्टा मांग लिया का 6 महीना सो 1 दिन जगू। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण वही सिर पीट के रोने लगा, कहा अब जीवन भर सोएगा ये, जिस दिन जगेगा दिन भर खाएगा फिर सो जाएगा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। मैं नामक दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कराया रावण से। रावण दोनों भाइयों को लेकर पाताल गया, विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा, हो चलता था तो धरती कांपती थी, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा रावण ने। देखिए, जान गया था कि देवता मार नहीं सकते, तो पहला आक्रमण देवताओं पे किया, देवताओं को बंदी बनाया। सूर्य नारायण जाके लंका में पूछते थे, दशानन उगे, पूछता था रावण से, सब पूछते थे, इनको तो छोड़िए। शंकर जी रोज पूजवाने जाते थे लंका में, रोज सवेरे सवेरे जाकर शंकर जी कहते थे आ गया हो पूजा कर लो। काहे ई जाता था कैलाश पूजा करने? तो देखिए, जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम, आजकल के बच्चे जिम जाते हैं, जिम जाके शरीर बनाते हैं ना, उनको डंबल कहते हैं ना, वो डंबल दिखाई वर्दी जाए, जहां दिखाई उठा, कहा जहां कुछ मिला तुरंत उठाने लगते हैं। रावण जाता था कैलाश शंकर भगवान की पूजा करने, तो कैलाश देखकर सोचा था उठा के देखो कितना बल बढ़ा है, और रोज जाके कैलाश उठा लेता था। अब हम यहाँ बैठे हैं और कोई आके चौकिया उठा दे तो हिल जाएंगे ना, जाके उठाता था, मैया बाबा हिल जाते थे। एक दिन मैया को क्रोध आया, जैसे रावण उठाया माँ ने दबा दिया, रावण का हाथ दब गया उसमें कैलाश में। जब हाथ दबा वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, जटाटवी गलत गलत, उसी पाठ के बाद माँ ने फिर छोड़ा है, पूजा करके गया। फिर माँ ने बाबा से कहा, प्रभु ये मानेगा नहीं, कल फिर आएगा, कल फिर उठाएगा, उत्पाती यहाँ ना आवे, इससे अच्छा है आप ही उसके घर चले जाइए, कम से कम हम तो शांति से रहेंगे। तो अगले दिन से शंकर भगवान जाने लगे, तो पहुंचे तो कहा कि मंत्र कौन बोलेगा, रावण बोला मंत्र कौन बोलेगा, तो शंकर भगवान बोले हम ही मंत्रों बोले, बोले नहीं ब्रह्मा जी को बुलाइए। तो सवेरे सवेरे शंकर भगवान ब्रह्मा जी जाते थे, कवितावली में गोस्वामी जी लिखे हैं विधिवत, शंकर ब्रह्मा जी जाते थे, शंकर जी का पूजा होता था और ब्रह्मा जी मंत्र बोलते थे। कितना प्रतापी था रावण, कल्पना करिए, प्रताप सुनेंगे उसका, अत्याचार सुनिए। जब जोग बिराजा तम भाजा सवन सुनई था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था रावण। लिखा है जो वेद पुराण की कथा कहता था, कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था। कितना अत्याचार हो, उतना अत्याचार अभी है का? यही बतिया मैंने छिंदवाड़ा कथा में पिछले साल, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब लोग मिलकर मुनियों के साथ भगवान को बुलाने लगे, बोलने लगे, अरे श्रीमन नारायण नारायण
सुनकर आकाशवाणी भई। जानते हैं बच्चा जब अचानक डरता है ना, छोटा बच्चा डर के रोता है ना, तो उसकी माँ जहां रहती है माँ वहीं से चिल्लाती है, कहा डरना मत मैं हूं, कहती है ना मैं हूं डरना मत। उसी प्रकार भगवान के बच्चे भी आज रो रहे, भगवान भी आए नहीं जहां थे वहीं से चिल्लाए, क्या बोले जन डर पाहु मुनि सीधा से कहा डरिए मत मैं आप लोग के लिए आऊंगा, कहां अयोध्या में आऊंगा, अंशों सहित आऊंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के बार का हरण करूंगा। आकाशवाणी सुन के देवता लोग जानने लगे, ब्रह्मा जी बोले इधर आओ, कहां जा रहे हो, काम हो गया चल पड़े, ऐ भगवान जाएंगे तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हमको जाना है। सारे देवता बानर ऋषि बनकर पृथ्वी पर चले जाइए, ब्रह्मा जी जामवंत बने, शंकर भगवान हनुमान जी बने, है सूर्य नारायण सुग्रीव बने, देवराज इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा भगवान नल नील बने, सारा देव समाज पहुंच गया, जाकर भगवान की प्रतीक्षा करता है। अब कथा कैलाश से उतर के अयोध्या पहुंचे, आप लोग अयोध्या गए हैं, बहुते लोग गए, क्या बात, तीनों लोक से नारी, भोजपुरी समझ में आई, अवधी हमारे पूज्य बात गुरुदेव है, उनका एक बड़ा प्यारा पद है अयोध्या, अरे त्रिभुवन पीता अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे, नीक मने सुंदर बढ़िया, अरे नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, अवध
पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दौवा